अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आई होप यू आर फाइन, आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। इन दिस वीडियो वी विल बी लुकिंग एट द फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सपेंशन देखी थी, इस वीडियो में देख लेते हैं कि किस तरह क्यूबिक एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है और सॉल्व भी करना है। ठीक है, दोनों काम हम लोग जो है वो इस वीडियो में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास जो क्यूबिक एक्सप्रेशन है उसमें जो कॉन्स्टेंट वाली टर्म है ना वो नहीं है। ठीक है, तो इस वाली जो क्यूबिक एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करना आसान है। ठीक है, बस हमें कॉमन लेना होता है और इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि हम जब कॉमन ले लेंगे ना तो फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाती है और फिर क्वाड्रेटिक को हम जो है वो मिडिल टर्म से फैक्टराइज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास तीन क्वेश्चन हैं यहाँ, एक फैक्टराइज का है, दो सॉल्व का है। जल्दी से इन तीनों क्वेश्चन को जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज, और हमारे पास एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ चूंकि इक्वल्स टू आपको नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन नहीं है, हमें इसको सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ इसको फैक्टराइज करना है। तो क्यूबिक का कैसे पता चलेगा? भाई हमारे पास जो वेरिएबल है उस पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक हो गई। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 4x³ - 4x² - 15x। इधर कांस्टेंट वाली जो टर्म है वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की क्यूबिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले तुम ये देखो कि क्या तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है। तो तीनों टर्म्स में मुझे जो है ना वो एक्स कॉमन नज़र आ रहा है, तो मैं पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक्स को कॉमन ले लूँगा। जब मैं एक्स को कॉमन ले लूँगा, अब मैं ये देखता हूँ कि ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, इसमें से मैंने एक्स जो है वो कॉमन ले लिया, तो अब मेरे पास क्या बचा है? मेरे पास बचा है 4, और एक्स क्यूब तो नहीं बचा होगा भाई, एक एक्स ले चुका हूँ तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से भी मैंने एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ जो है वो अब जो है वो 4 तो बचा ही होगा, और एक्स स्क्वायर में से चूंकि एक एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स बच गया, और यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, फिर मैंने जो है वो एक्स कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास हो गया है 15। ठीक है, अब ये जो है मेरे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। ये एक्स तो बाहर है, ठीक है, इस एक्स को जो है ना वो हमें भूलना नहीं है, ये बाहर चलता रहेगा, सही है, क्योंकि ये एक फैक्टर बन गया बेसिकली। अच्छा, अब ये जो 4x² - 4x - 15 है, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है और इसको फैक्टराइज मैं कर सकता हूँ बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो अब मुझे ये देखना है कि भाई 15 है और 4 है, तो इसका मतलब है कि मुझे 60 के फैक्टर्स बनाने हैं, और 60 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनमें प्लस माइनस करूं तो आंसर आए 4। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 10 और 6 जो है ये बेस्ट है, 10 और 6 ले लेता हूँ, 10 6 60 होता है, ठीक है ना, और 10 में से जब 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4 आ जाएगा। तो मैंने क्या करना है, यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रैकेट जो है ना वो चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे स्मॉल ब्रैकेट अंदर यूज़ करना है, तो मैं ये वाला ब्रैकेट जो है वो चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया, अब मैंने अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया है, ये हो गया 4x². ठीक है, और अब जो मैंने ब्रेक किया 10 6 किया, तो चूंकि नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, मिडिल टर्म का साइन है नेगेटिव, तो बड़े फैक्टर को मैंने नेगेटिव का साइन दे दिया, और छोटे वाले को फिर मुझे जो है वो पॉजिटिव का देना पड़ेगा, क्योंकि 10 में से जब मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4 आ जाएगा, और चूंकि साइन बड़ा जो है वो माइनस है तो -4 हो गया, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -60x², और ये आ गया 15 एज इट इज़। अब मुझे जो है वो कॉमन लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ अभी स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ कर लिया, अब मुझे जो है वो स्मॉल ब्रैकेट भी यूज़ करने पड़ेंगे। अब बताओ जल्दी से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ मुझे लग रहा है कि मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, और 2x कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने 2 भी ले लिया कॉमन, क्योंकि 4 के टेबल में 10 नहीं आ सकता, तो मुझे फिर 2x कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैं 2x कॉमन लूँगा तो यहाँ है 4, तो 2 तो कॉमन ले चुका हूँ तो 2 आएगा अंदर, ठीक है, और 1x मैं कॉमन ले चुका हूँ तो 1x जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। x मैं कॉमन ले चुका हूँ, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 आता है तो 5, तो ये आ गया 2x - 5। ठीक है, और फिर आगे भी मुझे इसी तरह कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, x मैं कॉमन नहीं ले सकता, 3 मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है, 15 भी आता है, जब मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो दिस विल लुक लाइक दिस, ये 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा -5। दोनों ब्रैकेट्स मेरे पास आ गए हैं एग्जैक्टली सेम, इसका मतलब है कि मैंने बिल्कुल सही फैक्टर्स पिक किए हैं। बस अब जल्दी से जो है वो लास्ट स्टेप मेरा आ गया, एक मेरा फैक्टर एक्स हो गया, इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। ठीक है, ये भी मेरा एक फैक्टर है एक्स, उसके बाद मैं जो है वो 2x - 5 को लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, सही है, ये मेरा दूसरा फैक्टर आ गया, और जो थर्ड फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2x + 3। तो ये जो है मेरे पास क्यूबिक एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज हो गई है। ठीक है, ये वाली जो है इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो पहले कॉमन ले लो एक्स को, उसके बाद जो है वो मिडिल टर्म अप्लाई कर लो, ये जो है मेरा फाइनल आंसर आ गया, एक फैक्टर आ गया एक्स, एक फैक्टर आ गया 2x - 5,
और एक फैक्टर मेरे पास आ गया 2x+3। तो ये तो सिर्फ फैक्टराइज करना था, तो मैंने अपना आंसर यहाँ छोड़ दिया। फर्ज करो क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है, वो बोलता आपसे सॉल्व, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब वो सॉल्व बोलता और फिर चूंकि सॉल्व इक्वेशन को किया जाता है तो इक्वल्स टू जीरो भी आ जाता। तो अब मैं यही काम दोबारा करता सारा, फैक्टराइज तक पहुंचने के बाद, चूंकि मैं फैक्टराइज तक पहुंच गया, देखो यहाँ मैं इसको भी ऐसी कर लेता हूँ जैसे मैंने ऊपर किया है, तो ये जो है वो मेरे पास यहाँ एक्स आ गया, सही है। उसके बाद मैंने इस पर मिडिल टर्म अप्लाई किया, मिडिल टर्म अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो है ना ये फैक्टराइज हो गया। अब जब फैक्टराइज हो जाए और सॉल्व भी करना हो तो ये इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब है कि अब मैं बारी बारी तीनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू जीरो करूंगा। पहले तो मैंने एक्स को जीरो कर दिया, तो ये तो मेरा एक आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू जीरो, सही है, एक मेरा आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब दूसरा ब्रैकेट कौन सा है मेरे पास, है दूसरा ब्रैकेट 2x+3=0। जब मैं 2x+3=0 करूंगा तो ये प्लस थ्री जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो जीरो में से जब मैं -3 करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा -3, तो ये हो जाएगा 2x = -3, और फिर ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -3/2, ये मेरी दूसरी वैल्यू आ गई x की, ठीक है। तीन वैल्यूज आएंगी क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक में दो आंसर्स आते हैं, ये क्यूबिक है तो यहाँ तीन आंसर्स आएंगे, तो मेरे पास जो दूसरा आंसर आ गया वो आ गया -3/2। इसी तरह ये जो तीसरा वाला है 2x-5, इसको भी करके देख लेते हैं जल्दी से, ये हो गया 2x-5, ये भी इक्वल्स टू जीरो है, -5 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो +5 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x = 5, और फिर मुझे x की वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल्स टू 5/2। तो यहाँ मेरे पास तीन आंसर्स आ गए, एक जीरो आ गया, एक आ गया -3/2, और एक आ गया 5/2, ठीक है। ये तीन आंसर्स जो है ना ये मेरे रिक्वायर्ड आंसर्स हैं क्योंकि मैंने इनको सॉल्व कर लिया है। अच्छा, अब ये माइनस जो है ये 3 के साथ भी लिख सकते हो, तुम ये बीच में भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस ये कि हम लोग जो है वो डिनोमिनेटर के साथ माइनस नहीं लिखते, हम उसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये फैक्टराइज भी कर लिया हमने, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी किसी जो है क्यूबिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करोगे तो तीन ब्रैकेट बनेंगे, x भी एक ब्रैकेट होगा, याद रखना, ठीक है। और जब उसको सॉल्व करोगे तो तीन ही आंसर्स आएंगे, तो ये मेरे तीनों आंसर्स आ गए, ठीक है। अब एक तरह का क्वेश्चन और आता है पेपर वन में, जिसमें वो आपको तीन ब्रैकेट बना के दे देगा और बोलेगा सॉल्व फॉर x, ठीक है, x की वैल्यूज निकालो। तो उसमें भी यही काम करना है, बारी बारी तीनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू जीरो करोगे। अब यहाँ x-1=0 है तो x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ x-5 है तो x की वैल्यू +5 आ गई, यहाँ x+2 था तो x की वैल्यू आ गई -2। तो ये एक मार्क का जो है वो बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ x के तीन आंसर आ गए 1, 5, -2, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा याद रखना कि अगर फैक्टराइज बोले तो फैक्टर्स बनाने, ब्रैकेट्स बना के छोड़ देना, लेकिन अगर सॉल्व बोले तो फिर वो ब्रैकेट्स को इक्वल टू जीरो करके बारी बारी x की वैल्यूज भी निकाल देना।